श्री कृष्ण ने कहा है योग क्षेम भाम्य, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आत्मता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई गर संबंध ही नहीं जुटा। अगर हम उनके राज्य में ही नहीं है तो परमात्मा भी हमारी बात कैसे सुन सकते हैं। सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति हैं, सिर्फ उसकी चालना मात्र कर लेती है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहजी में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। चारों तरफ परमात्मा का आपको प्रकाश दिखाई देता है। हर ऋतु में जैसे अलग अलग के फल आते हैं, अलग अलग की सृष्टि होती है, आप लोग अलग अलग तरह के गाने गाते हैं। ये जो करने वाला है, जो ये फूलों से फल बनाने वाला है, जो अनंत ऐसे जीवंत कार्य हमारे अंदर करता है, ऐसी शक्ति नहीं है ये कहना बहुत उद्दाम बात है। ऐसा सोचना तक अत्यंत उद्दामता की बात है। नम्रता पूर्वक सोचना चाहिए कि आखिर जो ये सृष्टि बनाई है इसमें से हम तो अणु भी नहीं बना सकते, हमें चाहे तो एक लकड़ी भी नहीं बना सकते। लकड़ी से लकड़ी बना सकते हैं, पत्थर से पत्थर बना सकते हैं, एक मरी हुई चीज से दूसरी मरी हुई चीज हम बना सकते हैं, लेकिन एक भी जीवंत कार्य तो आप कर नहीं सकते। मरा हुआ भी कार्य आप बना के दिखा दें कि एक चीज हमने खुद बनाई तो आप बना नहीं सकते। फिर इतना अहंकार मनुष्य में हो गया है कि वो सोचता है परमात्मा ही नहीं। लेकिन ऐसे भक्तगण जो परमात्मा में आस्तिकता रखते हैं, ऐसे श्रद्धापूर्ण तरीके से गाना गाते हैं, ये देख करके जो मैंने एक साल पहले कहा था कि मुझे तो यहाँ के ग्रामों में ले चलो, शहरों से मेरा जीव उठ गया, ये बात सत्य है। आज श्री कृष्ण ही की बात कहेंगे क्योंकि आपके यहाँ श्री गोविंद जी का इतना सुंदर मंदिर है। श्री कृष्ण जी ने किस तरह से सहयोग किया था? जब वो छोटे से थे तो गोपियों को छेड़ते रहते थे। जब वो घघरी भर के अपने सर पे चलती थी तो उसको कंकड़ मार के तोड़ देती थी। ये उनकी लीला जो थी, ये जो चुहुल थी, इसके पीछे में बहुत बड़ा कार्य था। उस जमुना जी में जिस राधा जी के पैर होते थे, वो राधा जी स्वयं राधा, रा माने शक्ति और धा माने धारणा करने वाली, उस शक्ति के पैर उसमें पड़ते थे। उसका पानी ही गंगा जल जैसे पवित्र हो गया, उसमें चैतन्य आ गया। वो पानी भर के जब गोपियां चलती थी तो उनके कंकड़ मार के जो पानी उनके पीठ पर गिरता था उससे उनकी कुंडली में जागृत करती थी। इसीलिए उनको लीला धरक है। जब रास रास राम माने शक्ति और स उसके सहित, शक्ति के सहित जब वो नृत्य करते थे तब भी उनके अंदर से चैतन्य बह करके सबके अंदर जाता था और उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। उस जमाने में
ना तो ऐसी पब्लिक थी, ना ऐसे लोग थे जो बैठ करके किसी के भाषण सुनते, ना ऐसी जनता थी जो परमात्मा के खोज में घंटों बैठ करके सुनती की चीज क्या। मनोरंजन के साथ ही उन्होंने अपने लीला के साथ ही लोगों की कुंडलिनी जागृत की। इसी श्री कृष्ण ने भी ये बताया है कि हमारी जो चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है, इसका वृक्ष नीचे की ओर अधोगति पर जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पाश्चिमात्य देश हैं, जो परदेशी लोग हैं, इनके देशों में जाकर देखिए तो नर खड़ा रखा हुआ, उनको कोई पाप पुण्य का विचार नहीं, माँ बहन का विचार नहीं, किसी भी धर्म का विचार नहीं, पूर्णतः अधोगति में घुस गए, उनसे अपने को कुछ सीखने का नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें अपने मस्तिष्क में है। ऊर्ध्वगति को प्राप्त होना चाहिए। ऊर्ध्वगति प्राप्त कैसे होगी, उसके लिए कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी बड़े भारी संत हो गए। जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी तो गीता गीता पे ही आख्यान है, लेकिन उसमें खोल कर उन्होंने लिख दिया कि ये कार्य कुंडलिनी के जागरण से ही होता है। उस पर लोगों ने यह बंधन लगाया कि जो छठा अध्याय है जिसमें लिखा गया है वो पढ़ना ही नहीं, बाकी चाहे जो करते रहिए। तो सब लोग मुंह में तंबाकू रख करके मीलों चल करके विठल के मंदिर में विठल 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 चले जाना, पगला जाते हैं, कहते सर फोड़ डाला हमने। एक मुसलमान थे शेख करके, कहने लगे माँ नमाज पढ़ पढ़ के घुटने फट गए, पैदल चल चल के पैर फट गए, विठल कहते कहते गला बैठ गया, लेकिन विठल मिला नहीं। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही के अंदर सब कुछ समाया हुआ, आप ही के अंदर शिव विठल सारे सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है, और ये कार्य सहज ही होना चाहिए। जैसे कल कोई साहब कह रहे थे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य लोग कहते हैं, मनका कहने वाले कहते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जो मूलभूत चीज है वो सहज होनी चाहिए, जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहे। इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग योग का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है, बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप वो आप जागृत होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देंगे। श्री आदि शंकराचार्य ने शुरुआत में एक बड़ा सुंदर विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ लिखा था, उसके बाद उनके अनेक इस तरह के ग्रंथ हुए, अंत में वो थक गए, क्योंकि एक शर्मा नाम के बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद किया, वो तंग आ गए, इन बुद्धिमान लोगों से कैसे बताया जाए कि तुम्हारे बुद्धि में प्रकाश ही नहीं, तुम बात क्या कर रहे हो हवाई। अंत में उन्होंने सौंदर्य रैन नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें सिर्फ माँ की स्थिति लिखी है और हर श्लोक जो है एक मंत्र है, उस मंत्र के जागरण से आपकी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज परमात्मा के शास्त्र के अनुसार है, ऐसे नहीं कि किसी ने आपको मंत्र दे दिया राम कहो राम कहो। नारद ने दिया हुआ मंत्र दूसरा होता है, लेकिन हर आदमी आता है कहता है तुम राम कहो, राम क्यों कहो, पूछिए। राम का भी एक चक्र है, श्री राम का चक्र है, क्या आपका वो चक्र खराब हो गया है जिस वजह से कह रहे हैं श्री राम कहो। हर एक चक्र पे एक एक देवी देवता बैठे हुए, जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है
और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों के आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए, सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विजे कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता, असलियत का जन्म, माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस जीव का शिव से जब योग घटित होगा तभी वो योग होता है। वो कुछ कहने से कि हम योगी हैं, आप योगी नहीं हो जाते। आप योगी हैं तो आपके अंदर शक्ति क्या है? लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते, क्या परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे, हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते, अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं, ये उसका स्वभाव। जिस स्वभाव में वो बैठी हुई है उसी स्वभाव से कार्यान्वित है। क्या आप सूर्य कुछ पैसा चढ़ाए तो क्या सूर्य को पैसा लेना आता है? वो अपने स्वभाव से कार्यान्वित है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण भी हमारे स्वभाव से ही होता है, उसमें आपका हमारा देना लेना नहीं बनता। आपकी जो शक्ति है वो आपके पास है, उसको निहित अवस्था में रखा हुआ है और अब उसको जागृत अवस्था में लाना है, बस ये सीधा सरल कार्य है, वो कोई कठिन काम। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो जब वो 6 चक्रों में से गुजरती है तो इन्हीं चक्रों में से ये सूक्ष्म चक्र हमारे अंदर में है, ये जब जागृत हो जाते हैं, इनके अंदर जब देवता जागृत हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। अब बहुत से लोग हैं उनके ये गुरु है वो गुरु है, तंदुरुस्ती इतनी खराब मेरे पास आते ठीक होने की। मैंने कहा भाई एक माँ के दृष्टि से मैं पूछती हूँ कि तुमने गुरु रख छोड़े तो किस दिन के लिए? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे। माँ तो यही कहेगी होंगे गुरु होंगे, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें क्या फायदा किया? और कहा गया है नानक साहब ने कि जो साहिब से मिली है, जो साहिब से मिला है वही सदगुरु है, और सारी बातें करने से फायदा क्या? सिर्फ बातें करते रहते हैं, बात करने से कोई पेट भर सकता है या बात करने से क्या आत्मा प्राप्त हो सकता है? ये तो कृति है जिसे करना चाहिए, और जब तक ये कृति घटित नहीं होती तब तक आपको भी अंधता से नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में 2 तरह के लोग मैंने देखे, एक तो अंधता में फंसे हुए हैं और एक तो बिल्कुल ही उद्दामता में। इन दोनों के बीच में सहयोग खड़ा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खड़ा हो गया है और इस भूमि में राजस्थली में विशेष रूप से होना चाहिए, ऐसा मेरा पूर्ण विचार था, क्योंकि यहाँ चैतन्य जहां तहां मुझे दिखाई देता, लेकिन आप लोग मुझे मिले नहीं थे उस वक्त। इसलिए मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने आस्तिक भूमि में असली लोग नहीं होंगे, सब यही नकली लोग हैं। अब आपसे मिल लिया है तो कुछ न कुछ कार्य जरूर हो सकता। कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है, क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास जमीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती, दूसरी चाहती, तीसरी चाहती, चौथी चाहती। ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रहेगा? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है, और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का। जब तक प्रकाश आता नहीं तब तक इस पर मेहनत होती है कि दीप कैसा जलाया जाए,
लेकिन जब वो जल जाता है तब वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार आपके भी अंदर ये दीप है और आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना मात्र। अब लोग कहते हैं आप पापी हैं, आपने ये पाप कर्म किया वो पाप कर्म किया, इसलिए भोग रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए इतना रुपया चढ़ाओ पैसा चढ़ाओ, ये सब बेकार बात है। परमात्मा ने आपको मनुष्य स्थिति में ला दिया, पशु माने जो पाश में है उससे ला करके स्वतंत्रता में रख दिया है। अब स्व के तंत्र को जानना है, स्व का तंत्र माने अपने आत्मा का जो तंत्र है उसे मात्र जानने से ही आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे हम योगी जन कहते हैं, जो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। पर योगियों के बारे में भी अपनी कल्पनाएं खूब सारी बनी हुई हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके संसार से भागा पलायनवाद कर रहा है। भागना क्यों? हमारे यहां जितने साधु संत हुए सब घर द्वार में बैठे, किसने शादी नहीं की थी? क्या श्री राम ने विवाह नहीं किया था? कि श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया था? संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है, इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब आदतें छूट जाएंगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए, अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो है वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति, ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म कर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं है, और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए जरूरी होता है कि जब किसी चीज की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चल नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडली में बहुत ही आसानी से चल जाएगी। अब इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपने कहाँ जाकर के धर्म करने का, ये मतलब नहीं कि आप जाकर के कितने लोगों को आपने पैसा बांटा कि क्या किया। धर्म का मतलब है एक ही अक्षर में मैं बताऊं कि क्या आप प्रेमी जन है। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया, और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और ना वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ वो हमारे ही बनाए हुए घरोंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से
इंसान ने जो घरौंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है। और कल मैं आपको और सहयोग के बारे में, चक्रों के बारे में बताऊंगी, और परसों मैं आपको आत्मा का स्वरूप बताऊंगी। इस भाषण का तो कोई अंत नहीं, मेरे न जाने हजारों भाषण हो चुके हैं, और तो भी सब लोग कहते हैं कि माँ हर बार आपको नई बात कहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो अपना सत्य है वो एक है कि हम आत्मा स्वरूप है, उसे प्राप्त होना है। बस इस चीज को पाते ही सारा प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हो गए, क्या वो लोग पढ़े लिखे लोग थे? किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन सारा कुछ उनके अंदर स्थित था, क्योंकि उनके सुकृत ऐसे थे, पूर्व जन्म के सुकृत थे, जो सारे सुकृत प्रकाशित हो गए थे, इसलिए इतने ज्ञानी लोग थे। इसी प्रकार आपकी भी घटना घटित होती है, और ये बहुत सहज और सरल कृति है, और आप लोग चाहें तो अभी इसी वक्त ये घटना हो सकती है। ये कह रहे करवाइए, आप लोगों का क्या कहना है? हाँ हाँ, प्रत्यक्ष ही होना है। होने को तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे हमारी स्वतंत्रता हमें आसानी से मिल गई तो उसकी परवाह नहीं रही, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी कि बहुत ही सहज काम हो जाता है। लेकिन अंकुरित होना बहुत आसान है, पर उसका वृक्ष बनाना आपके हाथ में है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी कुंडलिनी को हम किस तरह से स्थित रखें। अगर ये आप सीख लें तो आप स्वयं एक से एक गुरु हो जाए। तो इतना मुझे वचन होना चाहिए कि पार तो हम करा देंगे, लेकिन पार होने पे जमना पड़ेगा, थोड़ा जमने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए कोई आपको मेहनत करनी नहीं, खास कोई विशेष बात नहीं है, बहुत सर्वसाधारण सी बात है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जानना चाहिए कि परमात्मा जैसे हैं वैसे हैं, उनको हम नहीं बना सकते, उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि परमात्मा ऐसे ही होना चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए, उसमें वैसा ही होना चाहिए। जो है सो उसे देखिए। जैसे कि एक साइंस का आदमी होता है, वो आंख खोल करके देखता है कि आगे क्या चीज है, इसी प्रकार परमात्मा को भी देख कर जानिए। ये नहीं कि हमारे बाप दादों ने कहा, हमने फलानी किताब में पढ़ा, ये बात जो सत्य है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। आशा है इस जयपुर में सहयोग बहुत जोरों से पकड़ लेगा, और उसके बाद इसके ग्रामों में और इसकी छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वहां मैं जा पाऊंगी। मैंने पहले ही दिन जब यहाँ आई थी तो कहा था कि इसके ग्रामों में मुझे भेजिए, लेकिन शहर में ही इतने आस्तिक लोग हैं, बड़ा आनंद आया मुझे। अभी इसकी कृति हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसमें कृति है ही नहीं, बहुत ही आसान चीज, ठीक है? आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में एकदम से कोई खड़े हो जाते हैं जबकि ध्यान होता है कि माँ ये क्या बात है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना चाहिए, उसके बाद बीच में उठ करके खड़ा नहीं होना चाहिए। और ध्यान करने के बाद ये है कि आदमी शांत पूर्वक घर जाए, ये नहीं कि आप बीच में उठ के चले जाए या ध्यान के वक्त एकदम से लोग उठ के चले जाते हैं। सब लोगों को करना चाहिए, एक 10 मिनट की भी बात नहीं है, 10 मिनट नहीं, अधिकतर लोग पार हो जाएंगे। और सब लोग विश्वास रखें अपने अंदर, अपने को निम्न ना समझे, किसी तरह से न्यून ना समझे, सब अपने अंदर विश्वास रखें। ये बहुत बड़ा समय है और इस समय में ये घटित होना ही चाहिए। आप हमारी ओर इस तरह से गले में अगर कोई गंदा दौरा पहना हो तो निकाल दीजिए, वो कभी कभी अटकाव करता है। गंदे दौरे अच्छे नहीं होते, किसी से लेना नहीं चाहिए। पैसों से ली हुई चीज कभी भी परमात्मा की हो नहीं सकती। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना ये हाथ, यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट को, मतलब हर जगह बाया ही कहते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट, बायां हाथ, क्योंकि हर एक भाषा में मैं देखती हूँ, हिंदी में हर बार बायां
और इसे दाया, ये तो हमारे यहाँ भी कहते हैं बाया दाया, इसे बाया और इसे दाया कहते, पर अब तो गुजराती भाषा में अलग है। ये बाया हाथ हमारी ओर करी और दाया हाथ जो है उसे जमीन पर रखते, जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी माँ। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसके अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दाया हाथ हमारे ओर करिए और बाया हाथ आकाश तक उठा, ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से, परेशानी की कोई चीज नहीं होती। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घूम जाने चाहिए, इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्ध, ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर यह भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूं, ये कैसे हम कर सकते, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप मां के बेटे हैं और मां के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया, बहुत से लोगों के अभी ही ठंडक ठंडक हाथ में आ रही है, आइए आइए अभी। अब देखिए कि इस बाई ओर, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है। सो ये किस तरह से, बहुत आसान, हृदय में हमारे आत्मा का वास है, मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है, उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का तत्व है, फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहां पर आ जाते हैं, ये विशुद्धि का चक्र श्री कृष्ण का है, सब सृष्टि उनके लिए लीलामय है, तो हम किस चीज का रोना लेकर बैठे हैं, जब सब चीज एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं, तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये दुख दिया है और हम ऐसे पापी हैं और हम ऐसे खराब हैं। ये चक्र यहाँ इस तरह से पकड़ना होगा, जैसे कि आप देखिए हाथ को इधर ले जाए सामने से, बहुत से लोग पीछे से पकड़ रहे, गलत है, इस तरह से पकड़, सीधा पीछे की तरफ ले जा, ये बहुत जोरों को पकड़ रहा है इस वक्त। उसके बाद ये हाथ
अपने माथे पर इस तरह से, जैसे हमें सर में दर्द होता है इस तरह से पकड़ना है, ये वाला इस हाथ, और फिर ये हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाके, ये आज्ञा चक्र के दो अंग है, एक सामने और एक पीछे, इस तरह से सर को पकड़ लेना। उसके बाद ये हाथ जो है इसको यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे इस तरह से, ये जो तलवा है इसको खींच करके बराबर बीचों बीच, ये सहस्त्रार है हमारा, ये हमारा सहस्त्रार है, उसके ब्रह्मरंध्र पे माने यहाँ जहाँ तालु है, जो बचपन में आपके यहाँ नरम सी हड्डी थी उस जगह पर बराबर ये चीज लगा के दबा कर, और इसे इस तरह से 7 बार सिर्फ घुमाना है दबा कर, इससे कि सर की जो त्वचा है वो घूमे, 7 बार घुमाना। अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए, कृपया आंख नहीं खोलना, क्योंकि चित्त जो है जैसे हमारी शॉल है इस तरह का चित्त अंदर फैला हुआ है, और जब कुंडलिनी चलती है तो चित्त जैसे खिंच जाता है अंदर, इसलिए चाहिए कि आंखें बंद हो जाए, और जिस वक्त ये भेदन हो जाता है तो इस चित्त के अंदर प्रकाश आ जाता है। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन सदाशिव का स्थान यहाँ सर पे है। जिस वक्त उनके चरण छू जाते हैं कुंडलिनी से, तो आत्मा जागृत होकर के हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है, और हाथ से भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अपने पे पहले विश्वास रखें, पूर्ण आत्मविश्वास से काम होने वाला है। अच्छा, अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, ये आपकी इच्छा शक्ति है, ये कोई सादी चीज है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये जो दाया हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें। अब उल्टा भी कर रहे हैं कुछ लोग, मैंने कहा था कि बाया हाथ मेरे ओर करें, बाया हाथ मेरे ओर करें, नहीं। और अब ये जो दूसरा हाथ है जिसे दाया कहते हैं, इसे हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे। कोई भी घबराने की चीज कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। आप इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ क्या मैं आत्मा हूं, ये सवाल पूछिए पूर्ण हृदय से, पूछे माँ क्या मैं आत्मा हूं, नहीं मन में पूछिए, जोर से नहीं, नहीं नहीं जोर से नहीं पूछे, मन में पूछिए। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाई ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें, बाई ओर, दाया। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूं, माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूं। अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है, पूछिए 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दाया हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूं
कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाए चाहे न जाए। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहे मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। आप कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगी बात, ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, 10 तत्व जो गुरु थके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं, इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। आप दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। आप पूर्ण विश्वास के साथ यहां आपको 12 मरतबा कहना होगा, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं, मां मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार आपको 12 मरतबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। किसे कहते शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर है ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े, और इस जगह
आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं, कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए, सामने से हाथ रखिए, नहीं सामने से हाथ रखिए, सामने से उनसे भी कह राधे श्याम जी से, सामने से, सामने से, इस तरह से पीछे से हाथ नहीं लेना है, सामने से लीजिए, इस तरह से ऐसे घुमा के जनऊ हाथ जिसे कहते हैं, हाँ इस तरह से लीजिए, इसे जनऊ हाथ कहते हैं, उस तरह से जब लाठी घुमाते वक्त जनऊ हाथ आपने देखा होगा, वो जनऊ हाथ 16 मर्तबा कहिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। प्रकृति माँ ऐसी हो सकता है क्या? हाँ, प्रकृति माँ में दोषी, उसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। जो सामान्य है उसी में असामान्य छिपा हुआ है, वो अपने आप कार्यान्वित होता है, सूक्ष्म है। हाँ आप इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहां पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है, इसी हाथ से, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, बायां हाथ तो हमारी ओर है ही पूरी समय, दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ, अरे भाई जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए, अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाए, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाए, और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए आपके समाधान के लिए, लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालु भाग में जहां बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालु भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मर्तबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, 7 मर्तबा कहिए।
हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख ले, धीरे धीरे आंखें खोले, मेरी ओर देखे बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते व्यभिचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बाया हाथ सर के ऊपर यहां पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं, इस तरह से रखिए। आप ऐसे आपसे कहें आ रही ठंडक? नहीं, आप तो उल्टा ही करे जा रहे हैं तब से। ये हाथ मेरी और करें, हाँ, और इसे ऊपर रखिए, ऊपर हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना। आ रहे? आ रहे? ठीक, पानी चाहिए ना ही नहीं करो, एक मिनट शांति करो, निर्विचार में रहो, जरा ऊपर करो, ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरे और करें और अब देखिए आ रही ऊपर में। किसी किसी को नहीं आता था ठंडी हवा, फिर से साथ से देखिए एक बार फिर। हाँ, चित्त करो, यहाँ पे चित्त रखना है, अपना चित्त यहाँ रखिए। देखिए ठंडक सी हवा आ रही, हाँ। अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछे कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ, अब शंका नहीं करें, शंका की चीज नहीं है ये। अब दोनों हाथ नीचे करें, देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। आ गई थोड़ी तो मालूम नहीं है आपको, लीवर की शिकायत बैठी थोड़ी सी, किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। 3 दिन के अंदर सब लोग ठीक हो जाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक 3 दिन के लिए यहां आए। 1 मिनट ठहर जाइए, जरा बीच में से ही जाने क्या जरूरत है, 1 मिनट बैठ जाइए, सब लोग ध्यान में बैठिए, सबका मान कर बैठिए, 1 मिनट बैठ जाइए। आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरों को तो हो रहा है। अरे अब किसी किसी को नहीं भी आती है, उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब चीजें ठीक कर दी। 3 दिन का रहना बहुत जरूरी था। हाँ, इनके बहुत अच्छा आ रहा है, आपके कह रहे हैं है ना, नहीं इनके पीछे आपसे ही कह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं दूसरों आपको हजी बात जैसी ये चलते नेक्स्ट।
आपके आप हमारी ओर आप बिल्कुल विचार किए बगैर देख सकते हैं। यह निर्विचार समाधि है, इसके बाद निर्विकल्प वो भी हो जाएगा। ये शुरुआत एकदम अत्यंत सूक्ष्म तरह से एक बाल की जैसे कुंडलिनी उठती है, जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसके अंदर से, और फिर धीरे धीरे खोलते हुए चक्रों को जाती है, और भी जब चक्रों का प्रस्तार बढ़ जाता है तो कुंडलिनी के और भी जो अंग है वो खुलने लग जाते हैं, और अनेक सूत्रों से जो कुंडलिनी बनी हुई उसके अनेक सूत्र एक के बाद एक खुलने लग जाते हैं। शुरुआत करना चाहिए इसे। सारे संतों को हमारा नमस्कार।